everyone, my name is Gracie. Welcome back to my YouTube channel, guys, and welcome back to a new review video जिसमें मैं बात करने वाली हूँ सेंट बोटैनिका फेस वॉश के बारे में. बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी है छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर कर दिया है देन थैंक यू सो मच फॉर योर लव सपोर्ट एंड योर ईच सेकेंड, गाइज थैंक यू सो मच. सो हमारा आज का प्रोडक्ट है ये सेंट बोटैनिका का नीम टी ट्री एंड बेजिल फेस वॉश. एज यू कैन सी इसकी पैकेजिंग ही इतनी ग्रीन ग्रीन है, तो इसमें काफ़ी सारे ग्रीन इंग्रेडिएंट होने वाले हैं और मैंने पहन भी थोड़ा ग्रीन शेड ही रखा है. सो ये तो थी एक फालतू की बात, बट अब आते हैं हम अपने प्रोडक्ट पे. सो ये है इनका प्रोडक्ट, ये ट्यूब फॉर्म में आता है और इसका जो प्राइस है वो है 340 rupees 100 ml का, जो बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेंसिव मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये सेम प्रॉपर्टी सेम इंग्रेडिएंट का प्रोडक्ट आपको अगर एक अच्छे ब्रांड में चाहिए, लाइक जो अभी चल रहे हैं मामा अर्थ, वाओ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, प्लम, ये वो डी प्लम, बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो वो भी प्रोडक्ट आपको 200 से 250 की रेंज में मिल जाएंगे. बट इसका प्राइस है 340 ml. सो यही देख के मेरा ना ऐसे हो गया था कि यार पता नहीं कैसा होगा, और जिस हिसाब से ये प्रोडक्ट निकला है ना, तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को उनसे दुगने पैसे लेके आने चाहिए गाइज. सो उसको हम रखते हैं साइड में. तो एक्सपेंसिव तो ये बहुत है, नॉट रिकमेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ मनी, नो. ओके, सो अब हम आते हैं इसकी एक्सपायरी पे. तो ये आपको 2 साल की एक्सपायरी देता है. ठीक है, 2 साल में क्या 1 महीने में सारा फेस वॉश ख़त्म होके अलग हो जाता है. सो ये अगर इनके मेन इन्ग्रीडियंट्स के बारे में बात करें तो वो है हमारे नीम, टी ट्री एंड बेसिल. ये तीन इनके इतने मेन हैं कि इन्होंने आगे छाप दिए हैं, एंड ये तीनों ही एंटीऑक्सीडेंट, एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ वाले इंग्रेडिएंट हैं. नीम हमारा, लाइक आपको नीम तो पता ही है कि इतना अच्छा माना जाता है स्किन के लिए, आपकी स्किन पे बैक्टीरिया या फिर वायरस नहीं फैलने देता है. टी ट्री भी सेम काम करता है, एंड बेसिल भी आपकी स्किन के लिए अच्छा काम करता है. दिस इज़ एन एंटी एक्ने फेस वॉश गाइस. अगर आपके फेस पे एक्ने हैं, पिंपल है, या फिर छोटे छोटे दाने और फुंसी हो रखी है, तो आप इस फेस वॉश को ट्राई ज़रूर दे सकते हैं. बिकॉज इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक नीम, तुलसी और टी ट्री, तो ये ना आपके एक्ने ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स माने जाते हैं, आपकी स्किन को प्यूरीफाई करने में, आपकी स्किन को जेंटल बनाने में, आपकी स्किन को एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ देते हैं, तो जिससे कि आपके फेस पे पॉल्यूशन या फिर बैक्टीरियाज नहीं रहते हैं, तो पिंपल भी नहीं होते हैं. और इसमें कोई भी हमारा पैराबिन नहीं है, सिलिकन नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है और SLS नहीं है. मीन्स ये सारे जो चीज़ें होती हैं वो एक केमिकल प्रोडक्ट में होती हैं, बट ये इसमें एक भी चीज़ नहीं है. दिस इज 100% वीगन एंड नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, एंड आपकी स्किन को सूदिंग एंड ल्यूमिनस कॉम्प्लेक्शन देगा. ल्यूमिनस कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है कि लाइक जैसे अभी आप देख सकते हैं मेरे फेस पे, यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा होगा जैसे लाइट किसी ने मार दी है और वो इतना चमक रहा है. लाइक इन ईजी लैंग्वेज दे आर ट्राइंग टू से कि वो आपकी स्किन को एक स्मूथ और एक मतलब एक चमक देगा, एक ब्राइटनेस देगा, लाइक एक ग्लो देगा. तो ये फेस वॉश उसमें हेल्प कर सकता है आपकी, क्योंकि अगर आपके फेस पे एक्ने नहीं है या फिर पिगमेंटेशन नहीं है, तो डेफिनेटली यू विल ग्लो लाइक ल्यूमिनस, यू विल ग्लो लाइक अ लाइट. सो या ये इनका कहने का मेन मतलब है. सो अगर हम इसकी बात करते हैं इसमें क्या क्या है, इसमें शिया बटर भी है जो कि हमारे फेस पे एक सॉफ्टनेस और मॉइस्चराइज करके रखता है. सॉफ्टनेस जो होती है फेस पे इतनी प्यारी लगती है ना, लाइक ऐसे ऐसे करके, तो इसमें शिया बटर है जो आपकी स्किन को एक सूथिंग सूदनेस देगा, सॉफ्टनेस देगा. एंड इसमें ग्लिसरीन भी है. ग्लिसरीन आपके फेस को लाइक फेस वॉश करने के बाद क्या होता है ना, थोड़ी ड्राई हो जाती है स्किन, चाहे आपकी स्किन नॉर्मल हो, ऑयली हो या फिर ड्राई हो, तो वो उस ग्लिसरीन जो है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, स्किन को नमी रखेगा. एंड देन इसमें हमारा रिफ्रेशिंग मिथेनॉल भी है जो आपकी हेल्प करेगा ब्लैक हेड और वाइट हेड को रिमूव करने में. इसमें है हमारा नीम, तुलसी और टी ट्री जो कि आपको एक सूदिंग और ल्यूमिनस कॉम्प्लेक्शन देंगे, जो वर्ड इन्होंने यूज़ किया है. एंड द फेस वॉश हैज़ मल्टीपल ब्यूटी बेनिफिट्स टू योर स्किन. यस, इसमें मतलब आपकी स्किन के लिए अच्छा हो सकता है गाइस. ये फेस वॉश मेरे को ना सूट नहीं किया, तो इसलिए ना मेरे को ज़्यादा अच्छा इसके लिए आ नहीं रहा है बोलने के लिए. बट अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, अगर आपको एक्ने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको एक ट्राई दे सकते हैं, क्योंकि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं. बट
मेरे लिए नहीं अच्छा रहा, तो इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा अच्छा बोल नहीं पा रही हूँ। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है इसके साथ। और दूसरा, मेरे को ये प्राइस वाइज भी बहुत हाई लगा, तो इसलिए भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। बात अगर हम इसके टेक्सचर की करें तो बहुत ही लाइट टेक्सचर है इसका, लाइक ऐसे करते ही ऐसे निकल जाएगा। जेल बेस है और ये एकदम ग्रीन ग्रीन थोड़े इसमें कलर है, बट इसकी जो स्मेल है एकदम ऐसे मिंट मिंट और नीम, मिंट और नीम को मिक्स कर दो और फिर उसको सूंघ लो, और वो कड़वी कड़वी से जो एक स्मेल होती है ना, वो आपके नाक में चढ़ेगी। और फ्रेगनेंस इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस है, और वो मेरे तो नाक में ही चढ़ जाती है यार। मेरे को ना इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस सूट ही नहीं करती है, मेरे को जुकाम हो जाता है, इसलिए शायद भी मेरे को ये ज़्यादा फेस वॉश पसंद नहीं आया। बट फेस वॉश करने के बाद आपको एक रिफ्रेशनेस और फ्रेशनेस फील होती है, डेफिनेटली होती है। इससे मेरे को पिंपल नहीं हुए, बट पता नहीं क्यों मेरे को ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा फेस वॉश, या तो मतलब फेस वॉश करने के बाद मेरे को एक अच्छी फील नहीं आई क्लींजिंग वाली, या फिर जो आनी चाहिए, या फिर वो फेस वॉश करते टाइम और करने के बाद तक जो वो स्मेल चढ़ती रहती है ना नाक में, उससे शायद मैं इरीटेट हो जाती हूँ, तो इसलिए मेरे को ये पसंद नहीं है। बट इट्स ओके। अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसको दूँगी 7 out of 10, मतलब बस 3 काट लिए, मेरे को पसंद नहीं आया तो नहीं आया। बट अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो या, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।